हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में SOL से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या जिनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। यहां पे दोस्तों आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ कहाँ पर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेने के लिए क्या आपको SOL कैंपस में जाना होगा या आप उसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो SOL के ऑफिशियल साइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का एक सेक्शन दिया गया है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपका एडमिशन फीस है, UG लेक्चर वीडियोस हैं और यहाँ पे आपको हमें लेकिन जो काम है हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक से डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सेशन चूज़ करना होगा, जिस साल आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। SOL का रोल नंबर फिल करना है और आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल कर देना है। एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल्स है मैं फिल कर लेता हूँ। फिल कर देने के बाद दोस्तों जब आप व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर दोस्तों आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है रिलीज हो चुका होगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर अभी तक आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जनरेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, सॉरी योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इट नॉट बी जनरेटेड, प्लीज़ चेक आफ्टर अ डे और अ टू डे। तो यहाँ पर आपका जो अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है यह अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, जब रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाता है तो 15 से 20 दिन बाद आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि दोस्तों अभी आपके जो डिग्री, अभी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, 2024 में आपको जो है आपकी डिग्री बाय पोस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी आपके डिग्री की ज़रूरत हो, अगर आपसे कहीं पर भी मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने मार्कशीट डाउनलोड कर रखी है तब तो आप मार्कशीट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी डिग्री की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर दोस्तों आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आप डिग्री के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ऐसा आप कह सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना हो एडमिशन के लिए तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। अभी आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुए हैं, जैसे आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट होंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके।